नमस्कार, माय नेम इज हरदविंदर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की रिवीजन करने जा रहे हैं आज, नेटवर्किंग एंड द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग देम। इस वीडियो में सिंपल नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम TCP/IP मॉडल एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट यूज़ करते टाइम कुछ सोशल मीडिया यूज़ करते टाइम कुछ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, इसके बारे में आने वाली वीडियोस में आप डिस्कस करेंगे। इसमें सिंपल नेटवर्किंग जो आज का इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, तो हम जो सीखने जा रहे हैं आज, अंडरस्टैंड हाउ आर राउटर वर्क्स एंड इट्स पर्पस। नेटवर्क डिवाइस है राउटर, उसका क्या काम है और कैसे वो काम करता है। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस लाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब्स, ब्रिजेस, स्विचेस, मॉडम्स। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वाईफाई एंड ब्लूटूथ इन नेटवर्क्स। अंडरस्टैंड हाउ टू सेटअप एंड कन्फिगर स्मॉल नेटवर्क्स इंक्लूडिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, द यूज ऑफ ब्राउजर, द यूज ऑफ ईमेल एक्सेस टू एन ISP। तो हम ये सीखेंगे कि छोटा सा नेटवर्क कैसे बनाना हमने, तो जिसे कैसे हमने ब्राउजर यूज करना है, ईमेल और ISP क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस होगा। अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पज ऑफ कॉमन नेटवर्क एनवायरमेंट्स सच एज इंट्रानेट एंड इंटरनेट के बारे में, डिफरेंस क्या है, इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन होगी। अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट, क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं इंटरनेट के साथ अगर अपना कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क्स क्या होता है। देखिए, आपके सामने पिक्चर शो हो रही है जैसे हम देख रहे हैं, सॉरी, तो ये एक वर्क स्टेशन है जो एक सर्वर होता है मेन, उसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं। जो मेन कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहते हैं, जो कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं उस सर्वर के साथ उनको हम कहते हैं नोड्स या वर्क स्टेशंस। उनको अटैच करने के लिए कुछ डिवाइसेस चाहिए होते हैं हमें, जैसे राउटर, स्विच, हब, केबल्स, डिफरेंट डिफरेंट केबल्स होती हैं, जैसे वायर्ड केबल से हम कनेक्ट कर सकते हैं या वायरलेस वे से हम कनेक्ट कर सकते हैं। वायर्ड में आ जाती हैं केबल्स लाइक फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और वायरलेस में जो टेक्निक्स आती हैं नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, वो है सैटेलाइट और माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, और यू कैन से ये आप इनको कनेक्ट करने के लिए वाईफाई यूज़ कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं कैसे कनेक्ट करना। तो हम वायर्ड की बात करें तो इसमें स्विच, राउटर की ज़रूरत होती है आपको, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रिज, कुछ डिवाइसेस हैं जब हमने छोटा सा नेटवर्क बनाना है या बड़ा नेटवर्क बनाना है, कुछ डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं, हम डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रिज हो गया, स्विच है, हब है, तो क्या क्या यूजेस हैं, केबल्स कौन कौन सी यूज़ करनी होती हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन होगी। नेटवर्क इज अ टू और मोर कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड टूगेदर सो दे कैन एक्सचेंज डेटा। तो मतलब डाटा कनेक्ट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क। मैंने अपनी एक फाइल, मैंने अपनी वीडियो आप तक शेयर करनी है, तो मैं नेटवर्क से कर सकता हूँ। मेरा कंप्यूटर, आपका मोबाइल डिवाइस, आपका टैबलेट डिवाइसेस कनेक्टेड है अगर इंटरनेट से, तभी हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क फॉलोज कंप्यूटर टू शेयर फाइल्स, यूजर्स टू मैसेज ईच अदर, शेयर रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज शेयर करने के लिए भी हम नेटवर्क यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास एक कंप्यूटर सेंटर है या आपके कॉलेज स्कूल की एक कंप्यूटर लैब है, उसमें एक ही प्रिंटर आपने रखा हुआ है, तो वो प्रिंटर हम ही नेटवर्क के ज़रिए सभी जितने भी, मान लो हमारे पास वहाँ पे 25 वर्क स्टेशंस है, तो 25 वर्क स्टेशंस के साथ एक सिंपल प्रिंटर हम शेयर कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू बाय 25 प्रिंटर्स फॉर ईच इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, तो इन दिस वे वी कैन शेयर द रिसोर्सेज। नेटवर्क कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स आर टाइपिकली क्रिएटेड यूजिंग केबल्स, वायर्स और वाया वायरलेस सिग्नल्स। तो हम तारों वायर्स से या वायरलेस वे से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल नेटवर्क की डेफिनेशन होगी। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं नेटवर्क को यूज करने के।
पहली बात, हम डाटा बड़ी इजीली शेयर कर सकते हैं। कोविड के टाइम में आपके टीचर्स आपको भेजते थे कुछ फाइल्स, होमवर्क, असाइनमेंट्स, आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस, या आपके साथ कनेक्ट होते, तो इजी था बिकॉज ऑफ नेटवर्क। शेयर सोर्सेज, जैसे आपको भी एग्जांपल दिया, प्रिंटर शेयर करना है। कम्युनिकेशन के लिए जैसे ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और इसका एडवांटेज है स्टोर डेटा सेंट्रली। आपका डाटा सारा एक सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, एक लोकेशन पे स्टोर हो जाता है। अलग-अलग, मान लो आपके पास एक हार्ड डिस्क है, उसके साथ एक सर्वर पे आप सारा डाटा अपना सेव करके रख सकते हैं। मान लो आपके टीचर ने आपको कोई वर्क दिया, प्रोजेक्ट दिया, जो आपने क्लासरूम में, मतलब अपनी कंप्यूटर लैब में ही परफॉर्म करना है, और आप सभी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सर्वर पे सेव कर रहे हो नेटवर्क के थ्रू। यू आर नॉट टेकिंग एनी पेन ड्राइव्स विद यू। तो आपके टीचर सेंट्रलाइज हो गया डाटा, आपका सारा डाटा एक सर्वर पे सेव हो गया, और वहां से वो आपके टीचर उसका बैकअप ले सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका डाटा सेंट्रलाइज हो जाता है। कीप ऑल सेटिंग्स सेंट्रली सो वी कैन यूज एनी वर्क स्टेशन। एक ही वर्क स्टेशन से सारी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही वर्क स्टेशन पे, एक ही सर्वर पे है, वहां से अपडेशन होगी तो सभी नोड्स में ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं नेटवर्क्स के, जैसे ग्रेटर रिस्क ऑफ हैकर्स। हैकर्स क्या प्रॉब्लम रहती है कि लोग इसको हैक कर सकते हैं। जितने आप नेटवर्क में ज़्यादा हैं, उतने बीच में हैकर्स भी ज़्यादा होंगे, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट हो सकती है। ग्रेटर रिस्क ऑफ वायरस, जितना हम ज़्यादा नेटवर्क में इंक्लूडेड है, उतना ही वायरस का रिस्क भी ज़्यादा है इजीली। द सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हमें हब, स्विच, ब्रिज और वायर्स की जरूरत पड़ती है, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। व्हेन अ नेटवर्क इज डाउन, कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स। मान लो नेटवर्क ही डाउन है, मैंने एक सर्वर के साथ अपने 25 कंप्यूटर अटैच किए हुए हैं या 10 कंप्यूटर अटैच किए हुए हैं, एक वर्क स्टेशन अगर नेटवर्क डाउन हो गया बीच में, तो मीन्स सारे जो अपने बाकी रेस्ट ऑफ द नोड्स हैं, वर्क स्टेशन हैं, वो यूजलेस हो जाती हैं, बिकॉज वो नेटवर्क के जरिए सर्वर को ही एक्सेस कर दिया। इंडिविजुअली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। प्रिंट क्यूज कैन बी अ लॉन्ग। मान लो हमने एक प्रिंटर रखा हुआ है और 25 लोग वहां पे प्रिंट आउट की कमांड्स दे रहे हैं, तो लंबी क्यू हो सकती है, तो उनको वेट करना पड़ सकता है। अदरवाइज अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रिंटर्स रखे हुए हैं हमने, तो वो इजीली टेक कर सकते हैं प्रिंट आउट। वैसे ये तो सिंपल डिसएडवांटेजेस हैं नेटवर्किंग के, जहाँ जिस चीज़ के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको, और आप इजीली लिख सकते हैं कि क्या नेटवर्क के फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अंडरस्टैंड हाउ आर राउटर वर्क्स एंड इट्स पर्पस। राउटर क्या होता है? पहला जो नेटवर्क डिवाइस है राउटर, उसका क्या यूज है, तो उसका पर्पस क्या है। जब भी आप किसी एक कंप्यूटर से, एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क से डेटा सेंड करते हैं, वो डेटा लार्ज फाइल होती है, तो उसको पैकेट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। मैं कह रहा हूँ फाइल बड़ी है, तो उसको पैकेट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। हर एक पैकेट पे उसका एक आइडेंटिफायर, एक आईपी एड्रेस उस पर अटैच कर दिया जाता है, तो बाद में वो राउटर उसको सेंड करता है डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे पहुँचना है। उसके बाद वो पैकेट्स दोबारा से असेंबल होते हैं, फाइल दोबारा से असेंबल होती है, मतलब क्योंकि वो डिवाइड कर दी गई थी छोटे छोटे पैकेट्स में, दोबारा से असेंबल होती है, तो वो देन दैट इज़ अ यूजेबल फाइल जो डेस्टिनेशन पे चाहिए होती है। तो डेटा पैकेट्स कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हेडर टू आइडेंटिफाई डेटा पैकेट, सेंडर एंड द रिसीवर आईपी एड्रेस, जो भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस और रिसीवर का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में आगे जाके थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। नंबर एंड ऑफ डेटा पैकेट्स मेकिंग अप द होल मैसेज, पूरे मैसेज को हम कितने नंबर ऑफ पैकेट्स बनाने हैं। तो जो आपका राउटर है उसका क्या यूज है, कनेक्ट्स नेटवर्क कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट। जो आपका कंप्यूटर्स है, आपका नेटवर्क है, उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, ट्रांसफर डेटा बिटवीन नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए। राउटर कैन कनेक्ट अ डिवाइस यूजिंग केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स के जरिए, ये अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, या तो केबल्स के जरिए या वायरलेस वे में। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू विच नेटवर्क, ये सारी इंफॉर्मेशन राउटर के पास होती है।
टू अंडरस्टैंड हाउ राउटर वर्क्स एंड इट्स पर्पस। देखिए, जितनी भी हम वेबसाइट्स खोलते हैं, फेसबुक खोलते हो, यूट्यूब खोल रहे हो, आप जैसे अभी यूट्यूब पे एक्सेस कर रहे हो, ये सारी फाइल्स होती हैं एक सर्वर पे स्टोर होती हैं, एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे। आगे जैसे आप अपने मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपकी जो मेरी वीडियो है एक सर्वर पे है। मेरी वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक टाइम पे देख रहे हैं, वो सारी उनके वर्क स्टेशंस हो गए। वीडियो एक ही जगह पे स्टोर है सर्वर पे, और जितने लोग उसको व्यू कर रहे हैं, ऑल दीज आर द वर्क स्टेशंस। तो वो सर्वर से व्यू कर रहे हैं। वेब पेज आर स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर्स। वेब पेजेस हैव यूनिक आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम्स टू फाइंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। जितने भी मान लो अपने वेबसाइट्स देखते हैं, उन सबका एक अलग डोमेन नेम होता है, अलग आईपी एड्रेस होता है, और उस आईपी एड्रेस को आप एक्सेस करते हैं सर्वर से। राउटर डायरेक्ट पैकेट ऑफ डाटा क्रॉस द इंटरनेट टू इट्स डेस्टिनेशन। वो डायरेक्ट करता है राउटर के, जब आपने रिक्वेस्ट की कि आई वॉन्ट टू ओपन आई यूट्यूब, तो आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में ओपन होगी, तो राउटर उसको डायरेक्ट करेगा कि इस आईपी एड्रेस पे ये ओपन हो जाए, खुल जाए। एवरीथिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज इट्स एन आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है हर एक कंप्यूटर पर जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। तो आगे बढ़ते हैं। कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं लाइक हब, स्विच, कनेक्ट्स आर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टूगेदर टू मेक अ लैन। मैंने एक नेटवर्क बनाना है अपने एक कंप्यूटर लैब में या एक कंप्यूटर सेंटर में, तो मैं दो तरह के डिवाइस यूज कर सकता हूँ, स्विच और हब। ये क्या होते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए सर्वर के साथ स्विच लगानी पड़ती है, उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अगर मैंने वायरिंग करके कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे स्विच यूज कर सकते हैं और हब यूज कर सकते हैं। स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है और हब एक डंप डिवाइस है। दोनों में फर्क क्या है? स्विच के साथ अगर मेरे सारे कंप्यूटर अटैच्ड हैं, जो भी मेरी नोड्स हैं, मान लो मैंने सर्वर रखा सेंटर में और मैंने बहुत सारे कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट किए, और हर एक कंप्यूटर को मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन करना है जो कि यूनिक होगा। मान लो फर्स्ट नंबर कंप्यूटर को जो मैंने आईपी एड्रेस दिया, सेम आईपी एड्रेस कांट बी असाइन टू द सेकंड कंप्यूटर, उसका डिफरेंट होगा। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द सर्वर शुड हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस। एक तो आईपी एड्रेस हो गया उनका, एक होता है उनका मैक एड्रेस। हर एक कंप्यूटर में एक एनआईसी होता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसका एक मैक एड्रेस होता है। NIC अगर आपके कंप्यूटर में है, तभी आप उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो मैन्युफैक्चर, जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हैं, तभी एक उसमें NIC अटैच करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसका एक मैक एड्रेस होता है जो यूनिक होता है, दुनिया भर में यूनिक होता है, लाइफ में, वर्ल्ड में। अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसका मैक एड्रेस कॉमन है, मतलब यूनिक है, वो सेम मैक एड्रेस किसी और कंप्यूटर का पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता। मैक एड्रेस से क्या है कि हम एग्जैक्टली डिवाइस को ट्रेस कर सकते हैं। मान लो मैं इंटरनेट से कोई एक्टिविटी करता हूँ, तो मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जिससे मेरा एग्जैक्टली लोकेशन, मेरा एग्जैक्टली डिवाइस लोकेट किया जा सकता है कि ये डिवाइस कौन सा है, किस डिवाइस से ये पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुई है इंटरनेट पे। तो आईपी एड्रेस होता है जो हम खुद असाइन करते हैं नेटवर्क में, वो वेरी कर सकता है। जो कि मैक एड्रेस है वो यूनिक है, वो वेरी नहीं करता है। तो स्विच और हब में क्या डिफरेंस है, आपको बताइए। दोनों का टास्क है कि आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स को सर्वर के साथ कनेक्ट करना। स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, सेंड स्पेसिफिक पैकेट ऑफ डाटा टू अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन अ लैन यूजिंग अ वर्क स्टेशन यूनिक मैक एड्रेस। तो स्विच क्या करता है कि एक यूनिक एड्रेस पे अगर मैंने एक पार्ट कंप्यूटर नंबर 3 पे डाटा भेजना है, तो कंप्यूटर नंबर 3 पे ही भेजेगा, उसके मैक एड्रेस पे ही भेजेगा। मोर सिक्योर है, ज़्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू हब। हब एक डंप डिवाइस है, पुअर सिक्योरिटी है, वो नहीं देखता कि किस एड्रेस पे मैंने डाटा भेजना है, वो सभी एड्रेस पे भेज देता है, सभी कंप्यूटर्स को भेज देता है। अगर मेरे हब के साथ 4 कंप्यूटर अटैच्ड है, मैंने 3 नंबर कंप्यूटर को डाटा भेजना है, तो हब चारों को भेज देगा, उसका कोई स्पेसिफिक एड्रेस पे सेंड नहीं करेगा। तो ये पुअर सिक्योरिटी होती है हब की।
कॉमन नेटवर्क डिवाइस अगर स्विच की बात करें, स्विच के पोर्ट्स होते हैं अलग अलग, मान लो वन पोर्ट नंबर वन, पोर्ट नंबर टू, पोर्ट नंबर थ्री, पोर्ट नंबर फोर। जब हम पहली बार डाटा सेंड करते हैं स्विच से तो उसके पास कोई मैक एड्रेस नहीं है। यू ऑलवेज स्टार्ट विद द एम्प्टी स्विच टेबल। द स्विच विल लर्न ईच वर्क स्टेशन मैक एड्रेस व्हेन इट सेंड्स द पैकेट ऑफ डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। मैंने पहली बार डाटा सेंड किया तो उसने सभी कंप्यूटर्स पे सेंड कर देना और हर एक कंप्यूटर का मैक और आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस उसने लर्न कर लेना है। जैसे जैसे मैं पहली बार पहले कंप्यूटर पे डाटा भेजा, दूसरे भी भेजा, तीसरे, चौथे, पांचवें, पांचों कंप्यूटर्स का डेटा जो भेजा है उन सबका मैक एड्रेस भी उसने साथ में लर्न कर लेना और अपना स्विच टेबल में स्टोर कर लेना फर्स्ट टाइम पे। तो लेटर ऑन जब भी हम चाहें जिस पार्टिकुलर कंप्यूटर पे हम भेजना चाहते हैं अपना पैकेट, उस कंप्यूटर के मैक एड्रेस पे भेज सकते हैं। वर्क स्टेशन कनेक्ट्स टू अ स्विच पोर्ट। ईच नेटवर्क कार्ड हैज अ यूनिक एड्रेस, मैक एड्रेस विच स्विचेस कैन टू बी आइडेंटिफाई अ वर्क स्टेशन। तो हर एक कंप्यूटर का एक मैक एड्रेस होता है। तो इस वे में हम कहते हैं कि फर्स्ट टाइम सेंड करेंगे तो सभी कंप्यूटर्स पे स्विच सेंड कर देता है और सेकंड टाइम पे उसके पास सारे कंप्यूटर्स का जितने भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उनका मैक एड्रेस है। तो आप पार्टिकुलर कंप्यूटर पे डाटा सेंड कर रहे हैं तो इट विल नॉट स्प्रेड अक्रॉस द कंप्लीट नेटवर्क। तो आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द कंट्रास्ट द यूज ऑफ राउटर एंड अ स्विच। द राउटर इज यूज टू कनेक्ट लोकल नेटवर्क टूगैदर टू फॉर्म अ वाइड एरिया नेटवर्क एंड ऑल्सो टू द इंटरनेट। तो राउटर एक लोकल एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, द राउटर विल ट्रांसफर डाटा बिटवीन नेटवर्क्स यूजिंग आईपी एड्रेस एंड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। द स्विच इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टूगैदर टू क्रिएट अ लैन। ईच वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू दैट नेटवर्क विल हैव इट्स ओन मैक एड्रेस। द राउटर विल लर्न ईच वर्क स्टेशन मैक एड्रेस इन ऑर्डर टू सेंड स्पेसिफिक पैकेट ऑफ डाटा टू अ करेक्ट वर्क स्टेशन। तो राउटर सेंड करता है एड्रेस आईपी एड्रेसेस पे पैकेट्स। राउटर पैकेट्स को आईपी एड्रेसेस पे सेंड करता है और स्विच मैक एड्रेसेस पे सेंड करता है। राउटर लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए होता है और जो स्विच है लोकल एरिया नेटवर्क के ईच कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लो मेरे पास चार कंप्यूटर लैब्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए, चारों को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर यूज करेंगे। ईच लैब के अंदर ईच कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, उनके मैक एड्रेसेस को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं स्विच। तो दिस इज आर डिफरेंस। तो अ राउटर इज कनेक्टेड टू लैन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ राउटर। राउटर इंस्पेक्ट द रीड द आईपी एड्रेस ऑफ द डेटा पैकेट सेंट टू इट। द राउटर विल द सेंड्स द डेटा पैकेट टू स्विच विद दैट आईपी एड्रेस। डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर एड्रेस दैट आर स्टोर्ड बाय द राउटर। द राउटर स्टोर्स आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर सेटअप बाय अ नेटवर्क मैनेजर आईएसपी। मैं आपको बता रहा हूं, आईपी एड्रेस जो आईएसपी द्वारा नेटवर्क मैनेजर ने सेटअप किया होता है कि मैं इस पर्सन को ये आईपी एड्रेस देना चाहता हूं इस पे डाटा सेंड करने के लिए। जो मैक एड्रेस होता है वो मैन्युफैक्चरर ने इंटरफेस कार्ड को दिया होता है। इंटरफेस कार्ड जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जब आप डिवाइस बनता है प्रोड्यूस होता है उसी टाइम उसका मैक एड्रेस जो एनआईसी है उसका मैक एड्रेस स्पेसिफाई हो जाता है। जो आईपी एड्रेस है नेटवर्क पे डिपेंड करता है। मैंने आज लोकल एरिया नेटवर्क के साथ अपना कंप्यूटर को अटैच किया तो उसका एक आईपी एड्रेस बन गया टेम्परेरीली। कल मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। मान लो मैं अपना कंप्यूटर उठाया किसी और लोकेशन पे ले गया, वहाँ पे जाके नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। मतलब आईपी एड्रेस से हम लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं कि डिवाइस कहाँ पे है, और मैक एड्रेस से हम एग्जैक्टली डिवाइस ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा डिवाइस है, ये किस डिवाइस से हम काम कर रहे हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क टू नेटवर्क चेंज होता रहता है और मैक एड्रेस है जो परमानेंट है, फिक्स है एक डिवाइस का, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो दैट इज अ डिफरेंस। मैक एड्रेस इज मैनुअली हार्ड कोडेड बाय मैन्युफैक्चरर विच मीन्स इट नेवर चेंजेस। ये बात ध्यान रखना आपने। आगे कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस में आया था आपके पास मॉडम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, और आगे है ब्रिज। मॉडम क्या है भाई?
जब आप कोई भी अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, जो टेलीफोन लाइन से डेटा आता है वो एनालॉग सिग्नल्स में आता है, और जो आपका कंप्यूटर है दैट कैन अंडरस्टैंड ओनली अ डिजिटल सिग्नल्स। तो मॉडम मॉड्यूलेट द एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल एंड डी मॉड्यूलेट द एनालॉग सिग्नल टू बैक टू द डिजिटल टू एनालॉग। अगर आपने टेलीफोन लाइन से डाटा सेंड करना है तो आप डिजिटल टू एनालॉग सेंड ट्रांसफर करेंगे, अगर आपने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना तो दोनों का वाइस वर्सा काम होता है मॉडम का। मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। एनआईसी अलाउज यू टू कनेक्ट डिवाइसेस टू द नेटवर्क। एनआईसी विल कंटेन मैक एड्रेस दैट विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर टू द नेटवर्क। ब्रिज क्या है? अ ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट टू पार्ट ऑफ लैन नेटवर्क्स टूगेदर सो दे फंक्शन एज अ सिंगल लैन। टू स्विचेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ ब्रिज डिवाइस। मान लो दो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके एक बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो बीच में आप ब्रिज लगा सकते हैं। मान लो मेरे पास दो कंप्यूटर लैब्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए बीच में मैंने एक ब्रिज लगा दिया तो एक सिंगल बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दो स्विचेस को, मतलब बड़ा नेटवर्क है, मान लो 100-200 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, तो हमने दो तीन स्विचेस लगा दिए, लेकिन सब में डाटा शेयर हो तो स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए आगे ब्रिज लगा देते हैं। आगे है अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वाईफाई एंड ब्लूटूथ। आपको पता ही है जो ब्लूटूथ है उसकी लिमिट थोड़ी कम होती है, वॉल्स का हर्डल्स रहता है उसमें, वाईफाई की रेंज एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ थोड़ी ज़्यादा है, और उसमें वॉल्स का जो हर्डल्स है नहीं होता है, ज़्यादा डिस्टेंस पे आप काम कर सकते हैं। ब्लूटूथ थोड़ा कम सिक्योर है और एज कम्पेयर टू वाईफाई इज मोर सिक्योर। तो इसके बारे में डिटेल में यही है, और आगे ब्लूटूथ और वाईफाई में यही है, कुछ ज़्यादा है नहीं है, आप डिस्कस कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। मेथड्स विच कैन बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क। तो हम मान लो नेटवर्क के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, या तो हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, 3G 4G टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई या यूजिंग वाईफाई कैन अलाउ यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट फ्रॉम एनी रूम इन हाउस विदाउट द यूज ऑफ केबल्स। इन एडिशन मल्टीपल डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड एट द सेम टाइम। सैटेलाइट कैन बी यूज टू ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड सिंस इट कनेक्ट्स वाया सैटेलाइट, इट हैज़ अ बेटर कवरेज, इट इज़ जनरली यूज ऑन द फॉर द इंटरनेट। ये आप देख ही रहे हो 4G 3G और आजकल 5G टेक्नोलॉजी आ रही है बहुत जल्दी भारत में। 3G एंड 4G आर यूज इन स्मार्टफोन्स टू कनेक्ट वायरलेसली टू द इंटरनेट, अलाउज द एक्सेस ऑन द मूव इवन विद इन एरियाज विद नो वाईफाई। 3G एंड 4G इज नॉट अफेक्टेड बाय रेन और स्नो एज इट इज इट एज अ फॉर्म ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Many computer networks are connected using cables for some are now connected using wireless technology discuss। तो हमने advantage और disadvantage बताने के wired networking के क्या फ़ायदे हैं और wireless के क्या फ़ायदे हैं। देखो wired में आपको थोड़ा network fast मिलता है और wireless में थोड़ा slow हो जाता है, पर कहीं जगह पे wireless मान लो hill stations में wiring possible नहीं है तो आप wireless network के साथ ही चलोगे, तो वहाँ पे आप रेडियो वेव माइक्रोवेव से ही कनेक्टिविटी करोगे। और वायर्स का ख़राब होने का चांसेस होता है, हमें कुछ डिग आउट करना होता है, अगर हमने जो अपनी वायर्स अंडरग्राउंड करनी है तो काफ़ी इसमें एज़ कम्पेयर टू वायरलेस के ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी। तो ये देखा जाए तो वायरलेस वहाँ पे चीपर रह जाता है, तो कुछ बेनिफिट भी है कुछ नुकसान भी है। तो आगे आपने मान लो कोई छोटा सा नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क सेटअप करना है, तो क्या क्या करना होता है आपको? एक तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, लाइक BSNL, वोडाफोन, जियो, जो रिलायंस कंपनी है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो वेब ब्राउज़र चाहिए एक, जिससे आप अपनी वेबसाइट्स का एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट होता है आपको मेल सेंड करने के लिए। सिक्योरिटी जरूरी है नेटवर्क पे, वायरस से कोई वायरसेस आने या हैकर्स से बचने के लिए, तो आप सिक्योरिटी भी रखना होता है। राउटर के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके अलावा आपको स्विच चाहिए, नेटवर्क केबल्स चाहिए, फायरवॉल चाहिए और सर्वर चाहिए एक, तो आप इन डिवाइसेस से अपना नेटवर्क बना सकते हैं। व्हाट इज़ ISP? ISP अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी मेजर डिस्क्राइब व्हाट इट ऑफर्स इट्स कस्टमर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस। ISP ऑफन ऑफर्स वेब स्पेस, डोमेन नेम, क्रिएट ओन वेबसाइट्स। ऑल्सो द ISP प्रोवाइड्स यूजर विद द ईमेल एड्रेस। तो ISP आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाइक
अभी बात करें तो एयरटेल है, रिलायंस कंपनीज हैं, BSNL है, ऑल दीज आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स विच प्रोवाइड्स यू इंटरनेट बाय टेकिंग सम कॉस्ट। तो डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क कैसे होते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर, वाइड एरिया नेटवर्क पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू कैन से द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैन इज द इंटरनेट। WLAN होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आपको एक एक्सेस पॉइंट चाहिए होता है जिसको वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, एक एक्सेस पॉइंट, और वो सिग्नल स्प्रेड आउट करता है। वो सिग्नल्स स्प्रेड करता है, वो जो बाकी वर्क स्टेशंस हैं विदाउट वायर्स वो सिग्नल्स को कैच करते हैं और आगे आप इंटरनेट सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता है। मतलब आपने एक एक्सेस पॉइंट लगा दिया, एक वायर लगा दिया, आपको स्विच लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वायर्स हर एक वर्क स्टेशन के लिए अलग अलग वायर अटैच करने की जरूरत नहीं है। एक एक्सेस पॉइंट से वो सिग्नल स्प्रेड आउट करेगा वायरलेस वे में, और रेस्ट ऑफ द नोड्स वो वायरलेस वे में वो अपनी जो सिग्नल्स को रिसीव करेंगी। तो दीज आर द क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नेटवर्क एनवायरमेंट्स। ऐसे पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बताइए, उसके फायदे नुकसान बताइए क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हैं। आगे इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। इंटरनेट इज अ पब्लिक अवेलेबल टू ऑल यूजर्स। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज ग्लोबल। इंटरनेट हैज मोर इंफॉर्मेशन देन इंट्रानेट। क्या यूजर्स हैं इंटरनेट के, व्यूइंग वेब पेज जैसे फेसबुक, यूट्यूब आप यूज करते हैं, सेंडिंग ईमेल्स, रिसीविंग मैसेज, शेयरिंग फाइल्स, कम्युनिकेट यूजिंग वॉइस, VOIP वीडियोस, प्लेइंग मल्टीप्लेयर गेम्स, स्ट्रीमिंग वीडियो ऑडियो कंटेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, ये इसके लिए यूज कर सकते हैं। इंटरनेट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है। मीन्स आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, उस होएगा वर्क, ये मान लो आपकी एक ब्रांच दिल्ली में है और एक मुंबई में है, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी लेकिन कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, उनका प्राइवेट नेटवर्क होता है ये। इंटरनेट टेंड टू बी अ पब्लिक पॉलिस्ड मैनेज्ड। इंटरनेट हैज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। डेटा फाउंड इन एन इंटरनेट इज लाइकली टू बी अ मोर रिलेवेंट देन द फाउंड ऑन द इंटरनेट। टाइपिकल यूज ऑफ इंटरनेट वुड बी व्यूइंग इंटरनल वेब पेजेस, कॉमनली स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा, इंटरनल ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग बिटवीन नेटवर्क, शेयरिंग इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपके डिफरेंस इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। बाकी अदर रिलायबल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स स्कूल फॉर पुट इंफॉर्मेशन ऑन देयर इंटरनेट डिस्क्राइब, क्या ये बता सकते हैं आप। बाकी कुछ एक्सेसिंग द इंटरनेट, आप लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैबलेट से और स्मार्टफोन से अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको रीड आउट करने होंगे। तो इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं आज की ये वीडियो। वो आने वाली वीडियोस में हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।